अभी तो असली मंजिल बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो असली मंजिल बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तौलना आसमान बाकी है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज मैं बताऊंगा कि 12th के बाद कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए। ठीक है दोस्त, यदि आप 12th कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए बेस्ट कौन सा कोर्स होगा, क्योंकि 12th के बाद बहुत ज़्यादा ही सजेशन होता है कि कौन सा कोर्स चूज किया जाए कि जल्दी से जल्दी अर्निंग किया जा सके। ठीक है दोस्त, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है नहीं करना है। ठीक है दोस्त, तो यदि आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। 12th कॉमर्स के बाद आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होता है। एक तो आप CA कर सकते हैं, या CMA या CS कर सकते हैं। दूसरा ये ऑप्शन होता है कि आप BCom कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद BCA, MBA, ठीक है MBA जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो मैं बताऊंगा कि बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कौन सा रहेगा। देखिए दोस्त, आप BCom जनरली सभी लोग करते हैं, ठीक है, आप BCom कर सकते हैं। BCom होने के बाद क्या होता है, ये 3 साल का कोर्स होता है, 3 साल के बाद आपको जॉब मिल जाएगा कहीं ना कहीं अकाउंटेंट में। ठीक है, लेकिन स्ट्रगल आपका जारी रहेगा, आप बहुत अच्छे पोजीशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप CA कर सकते हैं। CA कोर्स जो है 3 से 4 साल का होता है, कहने के लिए 4 साल का होता है, लेकिन इसमें 5-6 साल लग जाता है, जो कि ह्यूज टाइम होता है। ठीक है, और उसमें बहुत ज़्यादा ही आपको पढ़ना पड़ता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप पढ़ने वाले बच्चे हो, ठीक है, तो आप CA कर सकते हो। CA कर सकते हो, इसमें क्या है, बहुत अच्छा कैंपस होता है, आपको जॉब की कोई दिक्कत नहीं होती है, इसमें रिजल्ट आपको पता ही है जो बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, तो CA कोर्स कर सकते हो। उसके बाद MBA जो है आप करने के लिए आपको ग्रेजुएशन करना होगा। CA के साथ एक एडवांटेज ये है, जो उसके साथ आप BCom भी कर सकते हो। CA कोर्स जो होता है ये क्रॉस्पोंडेंस होता है, ठीक है, तो इसके साथ आप BCom भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका BCom भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद BCA कर सकते हो, ये भी कोर्स 3 साल का होता है। ठीक है, तो BCA करने के बाद भी आपको जॉब मिलने के चांस, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद आप BCom कर सकते हो। BCom करने से आपके क्या होगा, आप BCom रेगुलर से भी कर सकते हो, या क्रॉस्पोंडेंस जो है डिस्टेंस लर्निंग से कर सकते हो। इससे आपको क्या होगा, तो आपको अकाउंटेंट की जॉब मिल जाएगा। आप सुन लो, ये बहुत अच्छा चीज़ मैं बता रहा हूँ आपके लिए ही है। ठीक है, आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, आप वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, ये आपके लिए वीडियो बनाया गया है। ठीक दोस्त, इसके बाद एक ऑप्शन ये भी है जो आप जनरल कंपटीशन का तैयारी कर सकते हो। जैसे इससे अब क्या होगा, जनरल कंपटीशन आप देखते हो कि बहुत सारे वैकेंसी आते हैं, लेकिन ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट भी होता है, तो उसमें कंपटीशन कुछ ज़्यादा ही होता है। आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं, बहुत अच्छे सिविल सर्विस में जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन तो मस्ट होगा ही, आप किसी भी या तो आर्ट्स भी लेके भी कर सकते हो, या कॉमर्स के आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो BCom मैं बोलूँगा, जो आपको BCom एटलीस्ट साथ में होना ही चाहिए, कोई भी आप कोर्स करो। अदरवाइज BCA आप यदि कर रहे हो तो BCom की कोई ज़रूरत नहीं है। CA भी कर रहे हो तो आपको BCom करना चाहिए। इससे आपको क्या होगा, BCom जो है किसी भी कैंपस, CA में भी अच्छा कैंपस जो होता है, कोल इंडिया हो गया, बहुत सारे कैंपस होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको BCom की डिमांड करता है, जो आपको BCom होना चाहिए। ठीक है, BCom विथ CA, या CMA या CS। ठीक है, तो मैं बताऊंगा, CA, CS, CMA 3 कोर्स है, सिमिलर कोर्स है। ठीक है, इसमें कौन सा चूज़ करना चाहिए। यदि दोस्त आपको थ्योरी से ज़्यादा अच्छा लग रहा है थ्योरी, तो आप CS कोर्स चूज कर सकते हो। यदि आपको नोमेरिकल ज़्यादा अच्छा बनाना लग रहा है, तो नोमेरिकल के लिए आप CA या CMA चूज कर सकते हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट, यदि गवर्नमेंट इस CA, CS, CMA करके यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो, तो CA कोर्स करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो, लेकिन टर्म कंडीशन यही है दोस्त कि आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ेगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, यदि दिल्ली में रह रहे हैं, ऐसे आप पेन ड्राइव क्लास सारी जगह अवेलेबल है, तो कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन मैक्स प्रोबेबिलिटी, यदि आपके पास यदि फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दिल्ली में रह के पक करो। आप दिल्ली में लक्ष्मी नगर में है, ठीक है, कोर्स यहाँ अच्छा होता है, यहाँ आप क्लास ले सकते हो, वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब यदि BCom करते हो तो आपको सिविल सर्विस में जा सकते हो, UPSC कलेक्टर बन सकते हो, SP बन सकते हो।
ठीक है, इनकम टैक्स के बहुत सारे पद पे जा सकते हो, या आप एसएससी के थ्रू से भी आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें टर्म कंडीशन यही है कि आप बहुत ज़्यादा इसमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बिना हार्ड वर्क का नहीं होने वाला है कुछ भी, ठीक है। आप यदि बीकॉम करते हो तो आप साथ साथ क्या करो, यदि आपको आगे की सोच रहे हो जो बीकॉम के बाद में सीए करूंगा ये करूंगा, तो उसमें आपको फाउंडेशन तो देना होगा नहीं। आप क्या करो, बीकॉम के साथ क्या करो, आप यदि रेगुलर कोर्स नहीं कर रहे हो, कॉरेस्पोंडेंस कर रहे हो, किसी सीए फॉर्म ज्वाइन कर लो। सीए फॉर्म ज्वाइन करने से आपको ये होगा कि आपको प्रैक्टिकली नॉलेज अच्छा हो जाएगा, उसके बाद सीए कंटिन्यू करोगे तो जल्दी जल्दी निकल जाएगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ठीक है दोस्त। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा, मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा, ठीक है, मैं इस तरह से आपको बता रहा हूँ, आप हार्ड वर्क करो, बिना हार्ड वर्क के देखो, कॉमर्स जब भी लिए हो तो कॉमर्स के चाहिए हार्ड वर्क। कॉमर्स में थोड़ा सक्सेस लेट से मिलता है, लेकिन सक्सेस मिलता है, कुछ ना कुछ जरूर कर लोगे, ठीक है। साइंस है, आर्ट में इतना नहीं है, लेकिन कॉमर्स में आप बहुत अच्छे फील्ड में आए हो, कॉमर्स में आप बीकॉम करो, बीसीए करो, ठीक है, सीए करो, सीएस सीएमए करो, ठीक है। यदि बीकॉम के बाद चाहो तो आप फाइनेंस सेक्टर में आप जा सकते हो, ठीक है, बैंकिंग में भी असिस्टेंट मैनेजर का जॉब मिल जाता है। तो इस तरह से आप करोगे तो आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है, आपका कैरियर पिक पे होगा, ठीक है दोस्त। और सीए क्वालिफाई कर जाओ तो आपको सारा रास्ता खुल जाएगा, ठीक है। यदि आपको कोई कैरियर से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए कि 12 के बाद क्या करें या बीकॉम के बाद क्या करें, तो मेरी टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस चैनल पे आप जाके आप मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि रिप्लाई कर दूँ, ठीक है दोस्त। आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।